नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की डेट जारी, 17 मार्च को परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। आयोग ने शनिवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके तहत यह परीक्षा विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं यह परीक्षा सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र की होगी। अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र संबंधित आवंटित जिले की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर या कैंडिडेट आईडी तथा पासवर्ड प्रविष्ट कर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर 10 से 11 मार्च तक लिंक उपलब्ध रहेगा। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक तथा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट से 12 मार्च से डाउनलोड कर सकेंगे। प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए सूचीबद्ध करें एक्सपर्ट टीचर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चंपई सुन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर को सूचीबद्ध करें। झारखंड की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा है कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बता दें, झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास को लेकर चंपई सोरेन सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। जैक बोर्ड मैट्रिक व इंटर में मार्क्स फाइल करने का बदला प्रारूप। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शनिवार से 67 केंद्रों पर शुरू हो गया है। मैट्रिक के लिए 36 व इंटर के लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन राज्य भर में परीक्षकों के योगदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वर्ष से मूल्यांकन को लेकर मार्क्स फाइल के प्रारूप में बदलाव किया गया है। बता दें, 3 बार अंकों की जाँच की जाएगी। मार्क्स फाइल OMR शीट आधारित होगी। स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल 2 प्रति में होती है। परीक्षक मार्क्स फाइल की कंप्यूटर कॉपी को कोडवार, विषयवार व क्रमवार संधारित करेंगे। वहीं मार्क्स फाइल की मूल प्रति पर परीक्षक बॉल पेन से नंबर के अनुरूप अंक को कलर करेंगे। एक मार्क्स फाइल में 25 परीक्षार्थी का प्राप्तांक लिखा जाता है। एक OMR शीट पर 3 जगह प्राप्तांक की जाँच का प्रावधान है। वहीं परीक्षार्थी को किसी विषय में जो अंक मिले हैं उसे पहले उसके रोल नंबर के सामने अंक में लिखा जाएगा। झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक आज। झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक 10 मार्च को दोपहर 3 बजे से CM आवास में होगी। बैठक में गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद के नाम पर राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में मुहर लग सकती है। साथ ही नामांकन दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावकों के साइन भी लिए जा सकते हैं। अधिकृत रूप से झामुमो ने अभी तक अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हमारा उम्मीदवार झारखंडी होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, उसके लिए घोषणा की जरूरत क्या है, सीधे 11 को जाकर नामांकन कराएंगे। उन्होंने हरिहर महापात्रा के नाम को खारिज करते हुए कहा कि झामुमो से उनका कोई संबंध नहीं है। सरफराज के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गौरतलब है कि सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र ले लिया है। टाटा मोटर्स में अप्रैल में होगी अप्रेंटिस की परीक्षा। टाटा मोटर्स में अब अप्रेंटिस की परीक्षा अप्रैल माह में होगी। इसको लेकर पहले से हुए समझौते के आधार पर अप्रेंटिस की बहाली होगी। इसके तहत कर्मचारियों के बच्चों के अलावा बाहरी के लिए अप्रेंटिस की बहाली उसी तरह से निकलेगी जिस तरह से टाटा स्टील में निकलती है। अब तक टाटा मोटर्स में सिर्फ अप्रेंटिस एक्ट के तहत ट्रेनिंग कराई जाती थी, लेकिन नौकरी कंपनी के भीतर नहीं होती थी। इस बार टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह की जोड़ी ने सलाहकार प्रवीण सिंह के साथ मिलकर जो समझौता किया है उसके तहत कर्मचारियों के बच्चों की अप्रेंटिस में बहाली होगी और वहीं से कंपनी में भी बहाली होती जाएगी। इन सारे बच्चों को बहाली के बाद भी कंपनी की ओर से डिप्लोमा और इंजीनियरिंग भी कराई जाएगी। इनकी पोस्टिंग भी जमशेदपुर में ही होगी। देवघर शिव बारात के दौरान 300 लोगों के मोबाइल व पर्स चोरी।
शिव बारात की भीड़ में चोर व पकेटमारों की चांदी रही। भीड़ में लोग बारात देखने में मशगूल थे, तभी मौका पाकर चोर व पकेटमारों ने 300 से अधिक लोगों के मोबाइल सहित पर्स की पॉकेटमारी व छिनताई कर ली है। शिव बारात में जगह जगह पदाधिकारियों सहित पुलिस की ड्यूटी लगी थी, बावजूद पॉकेटमारी व छिनताई की घटनाओं को पुलिस नहीं रोक सकी। घटना के दौरान लोगों ने कई संदिग्ध पॉकेटमारों को पकड़कर पिटाई की और बाद में उन लोगों को नगर थाना पहुंचाकर पुलिस को सौंप दिया। ऐसे चार संदिग्धों को नगर थाने में रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है। शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर बाद तक करीब 200 से अधिक लोगों ने मोबाइल व पर्स उड़ाने की शिकायत नगर थाने में दी है। अधिकांश लोगों से पुलिस ने मोबाइल गायब होने का फॉर्म भरवाया, हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। खेती के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर आय व सेहत सुधारे किसान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के तत्वावधान में शनिवार को चाईबासा के खुटकटी मैदान में 3 दिवसीय डेयरी मेधा व कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। उन्होंने कहा कि कोल्हान की धरती की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, पारंपरिक खेती वाले इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति दूध की खपत 459 मिलीलीटर है। खपत बढ़ाने से आय के साथ सेहत भी सुधरेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। झारखंड में पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र अभी बहुत संभावनाएं हैं। उन्हें किसानों से आह्वान किया है कि NDRI के साथ जुड़कर डेयरी क्षेत्र की न्यूनतम तकनीकी को अपनाएं, जिससे रोजगार के अवसर मिले। जनजातीय क्षेत्र में पशुधन व कृषि के चहुमुखी विकास के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कंटा टोली फ्लाई ओवर का काम अगस्त तक होगा पूरा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कंटा टोली फ्लाई ओवर की कार्य प्रगति को लेकर शनिवार को जुड़को के अधिकारियों तथा कंस्ट्रक्शन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस मौके पर सीएम ने जुड़को के अधिकारियों से पूछा है कि फ्लाई ओवर का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा। इस पर अधिकारियों ने कहा है कि अगस्त 2024 तक कंटा टोली फ्लाई ओवर का काम पूरा हो जाएगा। इस पर सीएम ने कहा है कि फ्लाई ओवर के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट हर सप्ताह मुझे भेजे ताकि इसकी विस्तृत समीक्षा हो सके, जरूरत पड़ने पर आवश्यक निर्देश भी दिए जा सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को और तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बोकारो में किया NH जाम। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी के तहत शनिवार को बोकारो के चास में NH 32 चास सिद्धू कानू चौक ITI मोड़ को जाम कर दिया। यह सड़क धनबाद वाया बोकारो पुरुलिया जाती है। वहीं जरीडीह थाना क्षेत्र स्थित जैना मोड़ 4 लेन NH 23 चौक को 4 घंटे के लिए जाम कर दिया। यह सड़क रांची रामगढ़ बोकारो को जाती है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजदेव महथा के नेतृत्व में सुबह 6 बजे से ही कलकत्ता चार से धू कानू चौक ITI मोड़ पर पहुंच गए। खनिज संपदा से लदे मालवाहक वाहकों को रोककर सड़क जाम कर दिया गया। ईडी का दावा, हेमंत सोरेन ने कंपनी में किया करोड़ों का निवेश। ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से संबंधों को लेकर जांच कर रही है। कारोबारी अमित और मुख्यमंत्री हेमंत इन दिनों भूमि घोटाले में जेल में बंद हैं। ईडी को जानकारी मिली है कि हेमंत ने करोड़ों रुपये की काली कमाई की और उस राशि को कारोबारी अमित की कंपनी में निवेश किया। ईडी ने पूर्व में अमित के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को फिर पलटना शुरू कर दिया है। अमित के कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों में भी हेमंत के करोड़ों रुपए के निवेश की सूचना को सत्यापित करने की कोशिश जारी है। सूत्रों के अनुसार इस माह के अंत तक ईडी हेमंत के विरुद्ध ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। अमीषा पटेल और फिल्म मेकर के बीच डील फिक्स। चेक बाउंस के आरोपों का सामना कर रही फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल एवं शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के साथ समझौता हो गया है। शनिवार को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों के बीच समझौता हुआ। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हाई कोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद शनिवार को सिविल कोर्ट पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह से बातचीत की। इस दौरान बातचीत सफल रही। अमीषा पटेल चेक बाउंस की राशि 2.5 करोड़ की जगह 2.75 करोड़ रुपए लौटाने पर अपनी सहमति जताई है। सहमति के बाद अमीषा पटेल की ओर से 20 लाख रुपए का चेक शिकायतकर्ता के वकील को सौंपा गया। झारखंड के विद्यार्थियों को सीएम देंगे 11 मार्च को तोहफा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 11 मार्च को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में करेंगे। धनबाद से इस योजना के लिए 307 विद्यार्थियों का निबंधन हो चुका है।
इसमें निरसा विधानसभा क्षेत्र के 57 विद्यार्थी शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। निरसा विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इस योजना के लिए प्रखंड के 22 विद्यार्थियों का निबंधन हुआ है। साथ ही निरसा प्रखंड से 16, कलिया सोल प्रखंड से 13 हुआ, चिरकुंडा नगर पंचायत से 6 विद्यार्थियों का निबंधन हुआ है। सभी चयनित विद्यार्थियों को रांची से जाने व ले आने की जिम्मेदारी नोडल पदाधिकारी को सौंपी गई है। धन्यवाद।